जय हिंद दोस्तों। शिखर एकेडमी पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सबका मैं आलोक फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्रायोजेनिक इंजन, जो है जिसका 3D प्रिंटेड वर्जन का जो है सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है धवन 2। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों बना हुआ है। ठीक, तो जो निजी रॉकेट मतलब प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, तो कंपनी का नाम याद रखना है, क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इस कंपनी ने क्या किया, इसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का जो है सफल परीक्षण किया, और समय कितने देर के लिए, 200 सेकंड के लिए ये परीक्षण किया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, धवन 2, मतलब जाहिर सी बात है कोई धवन 1 भी होगा। ठीक है, परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो ये नागपुर में जो महाराष्ट्र में स्थित है वहां पर किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं धवन 1 के बारे में। ठीक, तो धवन 1 का परीक्षण किया गया था नवंबर 2022 में। ठीक है, और इसका जब परीक्षण किया गया तो उसके बाद इसका नाम जो है वो अंतरिक्ष के और रॉकेट के क्षेत्र में जो अपना महान योगदान देने वाले डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में इसका नाम, इंजन का नाम धवन रखा गया। ठीक है, आप देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो काम क्या करता है। तो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो जो पेलोड होता है रॉकेट का, जो मतलब वेट जो होता है नोज पे उसके, सैटेलाइट का या फिर कोई वेपन हो गया उसका जो वेट होता है उसको पेलोड बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि पेलोड को ले जाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन कौन सा प्रयोग होता है, तो इसमें देखिए, इसमें ईंधन प्रयोग होता है पहले तो लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, तरल ऑक्सीजन जिसका प्रयोग किया जाता है, और दूसरा क्या होता है, वो होता है लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, LNG मतलब प्राकृतिक नेचुरल गैस। ठीक है, तरल गैस। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक, अब इसको जो ये ईंधन होता है, प्राकृतिक तरल गैस और तरल ऑक्सीजन, इसके भंडारण और संचालन के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं क्रायोजेनिक तापमान। ठीक, और जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।